गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आप पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ सीड मतलब बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा फल का निर्माण किस प्रकार से होता है और बीज तथा बीजों का अंकुरण, ये सभी आपने पढ़ा। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है यानी कि आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है परागण, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो हेडिंग डाल लेंगे परागण, यानी कि परागण किस प्रकार से होता है। परागण पॉलिनेशन लिखेंगे, किसी पुष्प के परागण को, किसी पुष्प के पराग कणों को, किसी पुष्प के पराग कणों को उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। समझ में आया कि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या है, पुष्प है, ठीक है, और यहाँ पर इसके क्या है, परागण है। तो या तो इसमें स्वयं है या ये स्वयं के द्वारा किसी दूसरे पर जा रहे हैं। जो कैसा है, उसी जाति का है या वही है या उसी जाति का है। तो जो परागण उस पर पहुंचते हैं यानी कि ये जो क्रिया होती है यहाँ से यहाँ, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। लिखेंगे, परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्वपरागण, नंबर एक इसी के अंतर्गत लिखेंगे, नंबर वन स्वपरागण। देखेंगे जो ये स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि अपने आप जो हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन कैसा है, अपने आप हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि इस पुष्प का इसी पुष्प में हो रहा है परागण, है ना, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लिखेंगे, किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को,
कि किसी पादप के पुष्प के परागण, यानी कि ये पादप है और इसका ये क्या है पुष्प के परागण उसी पुष्प के, अब इसके नीचे किस तरीके का भाग होगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगी वर्तिकाग्र, यानी कि ये जो भाग है यहाँ पे क्या है वर्तिकाग्र है इस तरीके से। तो वर्तिकाग्र था कायिक जनन द्वारा, इसमें क्या हुआ कायिक जनन हुआ, ठीक है। तो कायिक जनन द्वारा तैयार उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के पर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है स्वपरागण, ठीक है। तो इसे दूसरे पौधे पर नहीं जाना पड़ता है, ठीक, इसमें खुद ही हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है, स्वपरागण कहते हैं। हेडिंग डालेंगे स्वपरागण के लाभ, अब हेडिंग दूसरी डालेंगे स्वपरागण के लाभ, यानी कि इसे लाभ क्या है ये समझेंगे। स्वपरागण के लाभ तो देखिए स्वपरागण के लाभ क्या है, यानी कि इससे जब स्वयं परागण हो रहा है तो इससे क्या लाभ है, जब दूसरे के द्वारा हो रहा है तो इससे क्या लाभ है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है, इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। अब देखिए इन्होंने कहा क्या कि मान लीजिए आपके पास क्या है किसी चीज का पादप है उसका पुष्प है और इसकी गुणवत्ता कैसी है बहुत अच्छी है, और जब से स्वयं इसी में हो रहा है इसी से फिर बीज बन रहे हैं और जब ये बीज फिर बोएंगे तो इसकी जो शुद्धता है वो हमेशा क्या होगी बनी रहेगी, दूसरा बात नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा होता है मान लीजिए ये है वो है इसी जाति का, लेकिन जो इसकी गुणवत्ता है वह कैसी है निम्न है, वो इसके क्या हुआ इससे परागण इसमें चले गए, जिसकी गुणवत्ता थी इसमें चले गए और इसमें क्या होगी गुणवत्ता कम हो जाएगी, और अगर इसके अगर इसमें आ गए तो इसकी गुणवत्ता क्या होगी अधिक हो जाएगी। लिखें क्या लिखा, पहला पॉइंट ये लिखा ना आपने, इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। नंबर सेकंड, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों से नष्ट नहीं होते, क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों से नष्ट नहीं होते। अगला पॉइंट फिर लिखेंगे लास्ट, इसमें अन्य किसी सहायक युक्ति जैसे सुगंध कौमा मधु आदि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुगंध कौमा मधु आदि की आवश्यकता नहीं होती। लिख लिया अगला पॉइंट नहीं है, अब इसे हेडिंग डालेंगे स्वपरागण की हानियां। अब इससे हानियां क्या है, ये तो लाभ से अपने आया स्वपरागण की हानियां। स्वपरागण की हानियां लिखेंगे, नंबर एक पॉइंट, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं। यानी कि देखिए हानि इससे ये हो गई कि इससे जो बीज उत्पन्न हो रहे हैं पर धीरे 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 क्या हो गए कम हो गए और छोटे होते चले गए, क्योंकि बाहरी कोई इसमें उच्च गुण आए ही नहीं तो जो गुण थे वही कम होते गए। नंबर सेकंड,
बीजों को पकने में अधिक समय लगता है। बीजों को पकने में अधिक समय लगता है। नंबर थ्री, नई तथा स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता। नई तथा स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता। आप देखिए, जब ये एक ही चीज है, इसकी क्या दूसरी किस्म आएगी? नहीं आएगी, तो नई किस्म बनेगी नहीं। तो वही क्या है, पुरानी किस्म चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी कि आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे पास नया कुछ है, वही तो पुराना दिखा दे, तो वही तुम्हारा पीसा वीसा चलता ही रहता है। कहता हमारे पास एक ही मशीन लगी है। तो ऐसे इसमें हो गया कि इसमें दूसरा क्या हो रहा है, बनी हुआ वही किस्म चलती रह रही है। तो ये इसका क्या हुआ, ये उसकी हानियां हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्या है, स्वपरागण। अब स्वपरागण के बाद क्या आता है, परपरागण, जो दूसरे पे डिपेंड हो। हेडिंग डाल दीजिए, परपरागण। परपरागण हेडिंग डालेंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि जो दूसरे से हो रहा है ना, क्रॉस पॉलिनेशन लिखेंगे। जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण जनन द्वारा, जब एक पुष्प के परागकण जनन द्वारा उसी जाति के अन्य पादप के, उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर, उसी जाति के अन्य पादप पर वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे परपरागण कहते हैं। यह एकलिंगी पुष्प, यह एकलिंगी पुष्प पपीता कौमा मक्का आदि में पाया जाता है। पपीता मक्का आदि में पाया जाता है। यह परागण, यह परागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा तथा जल द्वारा और जंतुओं के द्वारा होता है, और जंतुओं के द्वारा होता है। अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, और इसमें क्या है, स्वपरागण नहीं होता है, हैं? अब ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, और ये इधर भी है। अब ये इंतजार कर रहा है इसका परागण का, कि यहां से कोई परागण आए हमको दे दे तो हम जनन क्रिया करें। ये क्या कर रहा है, ये भी इंतजार कर रहा है कि कोई हमको भी दे दे तो हम भी जनन क्रिया करें। तो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, या ये इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वायु की, यानी कि हवा के माध्यम से उड़ेंगे जब परागण। तो क्या होगा, पौधों पर चिपक जाएंगे, पौधों पर चिपक जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर वर्तिकाग होगा, होगा वर्तिकाग है, और ये जब चिपकेंगे यहाँ पे तो इसमें निश्लेषा पदार्थ होगा जिसके द्वारा ये नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए वायु के द्वारा हो गया, अब वायु के द्वारा वायु नहीं चल रही, लेकिन जल बरस गया, तो जल से बह गए, और ये भी नीचे गिर गया जमीन पे, ये भी जल से बह गए, इस पे आके चिपक गए जल के द्वारा। कीटों के द्वारा हो गया, कीट यहाँ पे बैठी, मक्खी, ये मक्खी बैठ गई, और ये मक्खी उड़ी, उड़ी और इस पे बैठ गई,
तो देखो इसमें अपनी पीठ पे चिपका के लाई है और यहाँ पे छोड़ दिए। तो देखो जल द्वारा हो गया, वायु द्वारा हो गया और कीटों द्वारा हो गया। अब किसके द्वारा रह गया? जानवरों के द्वारा। जानवर आए यहाँ पे चिपक गए, जानवरों की पीठ पे चिपक गए, मुंह में चिपक गए, उन्होंने सूंघा और सूंघ के चले गए मुंह पे, फिर इसको सूंघा तो जो उसके परागण थे वो यहाँ गिर गए। तो ये किसके द्वारा हुआ? जीवों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया? परागण हो गया। इसमें लिखेंगे पर परागण की विधियां, हेडिंग डालेंगे पर परागण की विधियां, हेडिंग डालिए पर परागण की विधियां। पर परागण की विधियां लिखेंगे, पादपों में पर परागण निम्न प्रकार से होता है। पादपों में पर परागण निम्न प्रकार से होता है। नंबर एक, कीटों द्वारा परागण, जैसा कि हमने आपको यहां पे बताया। तो देखिए ये आ गया कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण किस प्रकार से हो रहा है इसमें लिखें। अब देखिए फूल आकर्षित किस लिए है? फूलों का रंग है जो रंग बिरंगा है, देख के बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है ये। ये किसके लिए है? आकर्षित करने के लिए। किसको? कीटों को। ये इतना सुंदर बना है क्योंकि यहाँ पर कीट बैठा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है। कीट हमारे पास आए क्या चूस रहे? मकरंद चूस रहे, और उसके साथ परागण भी ले आए जो हमको दे जाए, जिससे हम जनन क्रिया करें और फल वृद्धि का बीज वृद्धि का निर्माण करें, है ना। तो इसलिए ये खूबसूरत है। इसलिए खूबसूरत नहीं है कि हमें खूबसूरत लग रहा है, हमारे लिए नहीं है वो। वो किसके लिए है? जनन क्रिया के लिए और बीज बनाने के लिए खूबसूरती है उसमें। तो लिखे, कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में, और सुगंध जो है सुगंध सूंघ के आ जाती है, कौन? मधुमक्खी। और वो सुगंध सूंघ के मकरंद चूसती है और फिर वहां से चली जाती है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां होती हैं। कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां होती हैं, जैसे पुष्पों का रंग, जैसे पुष्पों का रंग, कौमा सुगंध, कौमा मकरंद आदि। जैसे सुगंध, मकरंद, रंग आदि। तो देखो ये सारी तीन युक्तियां हैं इनके पास। और जब सुगंध देखी, कीट ने, कोई कीट ऐसा है जो रंग से आकर्षित नहीं हो रहा, जो किससे आकर्षित हो रहा? सुगंध से। अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है? उसकी ओर आकर्षित हुआ। जैसे आप जानते हो इनकी सुगंध की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। आप यहाँ पे गोल या कोई चीज टक्कर की रख दीजिए, चींटी क्या थोड़ी देर के बाद लग जाएगी, क्या उसे दिखाई दिया? नहीं। आप ऊपर कोई चीज रख दीजिए, कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसमें चींटी चींटे लग गए होंगे, तो क्या उन्हें दिखाई दिया कि आपका सामान कहाँ रखा है? नहीं, वो सुगंध से पहुंच गए। उनकी जो सुगंध की क्षमता है वो सुगंध के द्वारा पहुंच गया। कुछ आकर्षित कीटों ने देखा है बहुत खूबसूरत चीज है, जो उन पर पहुंच गया। तो ये सब किसके लिए हो रहा है? परागण के लिए हो रहा है। तो लिखें इसमें थोड़ा सा और, इन पुष्पों, क्या लिखा है अभी? जनन क्रिया के लिए ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जनन क्रिया के लिए ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उनसे परागण की क्रिया तथा उनसे परागकण
ले लेते हैं, ये लिखती है तथा उनसे परागण ले लेते हैं। जैसे अंजीर कौमा आक, साल्विया, पीपल आदि। जैसे अंजीर कौमा आक, अकौआ जानते नहीं, अकौआ कौमा साल्विया पीपल आदि। देखा आपने अकौआ क्या परागण उड़ते हैं, देखिए उनमें जब पुष्प आते हैं पुष्प के बाद एक ऐसी संरचना उनके फल वृत्ति ऐसी बनती फल वृत्ति, और ये फल वृत्ति फट जाती है और फटने के बाद उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और वो उड़ते हैं ऐसे 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 कोकुइदा होते हैं। और बीच में क्या होता है, बीज जैसा लगा होता है, ये जब जाते हैं मिट्टी में कहीं चिपक जाते हैं, ये वहाँ पौधों को उत्पन्न कर देते हैं। तो देखा ऐसे फल जैसा उड़ता रहता है, बहुत सारे फल जैसे उड़ते हैं, तो ये आपका क्या होता है परागण उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने आपको बताया पर परागण, इसके अभी और भी भाग हैं। जैसे आज हमने आपको कीटों के द्वारा बताया और कल हम आपको वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा इसके लाभ तथा हानियाँ अगली क्लास में आपको बताएंगे।